ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ भाई साहब, हम शरीफ लोग हैं, इसलिए दुश्मनी भी हमें मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। अगर अभी के पापा ने कायरव के खिलाफ केस किया, उसे जेल भिजवाया, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा मैं आपको धमकी देने नहीं, मैं आपको समझाने आई हूँ। हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हमें जेल या कोर्ट कचहरी जाना पड़े। अगर प्यार से ना सही तो डरा के धमका के इन्हें समझाया जरूर जा सकता है भाई साहब। ये सब अपने ही बच्चे हैं। प्लीज भाई साहब, प्लीज। हाँ बड़े पापा, प्लीज प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बड़े पापा, प्लीज। अगर ये केस कोर्ट में चला गया ना, तो पछताने के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्लीज बड़े पापा, प्लीज वापस ले लीजिए, प्लीज। भाई साहब प्लीज मान जाइए ना, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ। मनीष जी प्लीज मान जाइए, मनीष बस करो अब। बड़े पापा प्लीज, प्लीज प्लीज मान जाइए एक बार। आप मुझे सजा देना चाहते हैं, आप मुझे दे दीजिए मेरे अभी को, प्लीज मान लीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ भाई साहब, प्लीज मेरे अभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई साहब प्लीज मान जाइए, भाई साहब प्लीज। बस आटी बड़े पापा शायद हमारा दर्द नहीं समझ पा रहे, हमें कुछ और ही करना होगा। मैं अपने अभी को जेल नहीं जाने दूंगी। जिसे जो करना है वो कर ले। मेरे कार्तिक के बारे में अपने मुंह से एक भी शब्द निकालने से पहले ना 100 बार सोच लेना, वरना तुम्हारी जबान खींच के तुम्हारे गले में लपेट दूंगी। ये हुई ना बात नायरा की छोटी शेरनी। चलिए आंटी, अब हम बचाएंगे हमारे अम्मी को। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, शॉर्टकट लेना होगा हमें। जी भाई साहब। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से फोन कर रहा हूँ, घंटी बजे जा रही है लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं। आई एम सॉरी भाई साहब, वो फोन साइलेंट पे रह गया था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता है, अक्षरा चली गई है यहाँ से। क्या? वो तुम्हारे पास पहुंचती होगी वहीं पे, ख्याल रखना।
भाई साहब अक्षर आ गई यहाँ पे। कैमरा ऑन कर, मुझे देख रहा है, कैमरा ऑन कर। गई है ये वहां, क्या काम है इसका वहां पे? शुमा आप लोग यहां क्या कर रहे हैं, प्लीज वापस जाइए। इंस्पेक्टर आप मुझे भी अरेस्ट करिए। क्या 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 बोल रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब अगर अगर ये मेरे घर के बाहर थे तो वो मेरी वजह से थे। मेरे लिए डॉक्टर अभिमन्यु बिरला ने वो सब किया था। अगर ये कसूरवार है तो कसूरवार मैं भी हूँ। आप मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट लिखिए। क्या बोल रही हो तुम? लिखिए ना, मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट लिखिए। माँ प्लीज इसे समझाइए, क्या बेवकूफी कर रही है। बुलाइए ना अपनी लेडी कांस्टेबल को, बुलाइए, प्लीज अरेस्ट मी। आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए क्योंकि इन दोनों के जुर्म में मैं भी शामिल हूँ। आप दोनों पागल हो गए हैं क्या? अभी तुम चुका कर। चुपचाप मुझे अरेस्ट कर रहे कि नहीं, कि मैं भी हाथ उठाऊं आप पर, तमाशा करूं, तोड़फोड़ करूं, कि आप मजबूर हो जाए मुझे अरेस्ट करने के लिए। बताइए ना आप करेंगे कि नहीं मुझे अरेस्ट, कि मैं भी अभी की तरह आपको गलती से धक्का मार दूं। मेरी बच्ची, मैंने तो तुझे बचाने के लिए ये सब किया था, ये तू क्या कर रही है? मैं तो तुझे झमेले से बचाना चाहता था और तू और चली गई, तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। बच्ची को जेल नहीं जाने दूंगा, नहीं सलाखों के पीछे बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हें। आप क्या करेंगे भाई साहब? खड़े खड़े पूछ क्या रहे हो, केस वापस लो। ठीक है भाई साहब, अभी लेता हूं। अक्षु, हम अपनी कंप्लेन वापस ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं, आप अभिमन्यु को छोड़ दीजिए। ये क्या नाटक लगा के रखा है हा? पहले कंप्लेन लिखाया, अरेस्ट करवाया और अभी ये सब तमाशा करके केस वापस। यही सब करना था तो पुलिस का टाइम क्यों वेस्ट किया? ऑल दैट, इनकी साइन लेके एफआईआर कैंसिल कर दो और ये हीरो को भी छोड़ दो। जो भी सोचता है ना कि औरतें कमजोर होती हैं, आज फिर गलत साबित हो गए। आज फिर साबित हो गया कि जब आदमियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तो उनका सबसे मजबूत सहारा बनके औरतें ही खड़ी होती हैं। एक माँ जो अपने बेटे के लिए कर सकती है, एक पत्नी जो अपने पति के लिए कर सकती है, एक बहन जो अपने भाई के लिए कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता। माँ जब तक आपका आंचल है, अक्षु जब तक तुम्हारा हाथ मेरे साथ है ना, दुनिया की कोई मुसीबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुसीबत आएगी, टकराएगी और वापस लौट जाएगी। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता?